नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है विनय कंबोज और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा इस होंडा एलिवेट के बारे में। और अगर आप होंडा का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कर्टसी होंडा को, और जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही हैं। तो शुरुआत इसके वेरियंट से करते हैं। तो टोटल आपको चार वेरियंट यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो स्टार्टिंग रहेगा एस वी, देन वी, ये जो वेरियंट आप देख रहे हैं, देन वी एक्स, और टॉप वेरियंट आ जाएगा जेड एक्स। कलर ऑप्शन की बात करें तो सिंगल टोन और ड्यूल टोन के ऑप्शन मिलते हैं। सिंगल टोन के अंदर टोटल 7 कलर ऑप्शन आपको मिलेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ब्राउन कलर, इसके अलावा आपको वाइट, ग्रे, सिल्वर, रेड, ब्लू, ऑरेंज, ये आपको मोनोटोन के साथ मिलेंगे। और अगर आप ड्यूल टोन कंसीडर करना चाह रहे हैं, जो सिर्फ टॉप वेरियंट सीबीटी के साथ देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे 3 कलर के साथ आपको जो है ड्यूल टोन मिलता है, आपको ऑरेंज के साथ, रेड के साथ और वाइट के साथ, जहाँ पे रूफ जो है वो ब्लैक कलर की देखने को मिल जाएगी। तो ये हो गई बात इसके कलर और वेरिएंट के बारे में। आप कर लेते हैं इस कार का एक डिटेल वॉक अराउंड। तो शुरुआत कार की की से करते हैं। तो कुछ इस तरह की आपको मिलेगी, इधर की तरफ आपको होंडा का लोगो, इस तरफ लॉक अनलॉक के कंट्रोल्स आपको मिलेंगे, क्योंकि ये जो सामने मेरे अभी खड़ी है ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। लेकिन अगर आप सीवीटी कंसीडर करेंगे तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा बटन आपको मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे आप रिमोट से ही गाड़ी को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल लुक आप इसकी देखिए गाड़ी की, कुछ इस तरह की आपको यहाँ पे मिलेंगी, देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। ब्रॉड जो है वो काफ़ी रखी गई है, इसकी जो विड्थ यहाँ पे रखी गई है 1790 mm आपको मिलेगी। सबसे पहले आप इसका ये फ्रंट ग्रिल देखिए, तो काफ़ी वाइड आपको ये ग्रिल मिलेगा यहाँ पे, लेकिन जो ओपन स्पेस है वो सिर्फ नीचे की तरफ आपको मिलने वाला है। लेकिन ओवरऑल काफ़ी वाइड इसको रखा गया है, बिल्कुल सेंटर में आपको यहाँ पे होंडा का लोगो देखने को मिल जाएगा। और जो अपर पार्ट है यहाँ पे क्रोम वर्क आपको देखने को मिलता है, जो यहाँ पे हेडलैम्प तक इसको एक्सटेंड किया गया है। और जब इसके हेडलैम्प यूनिट जब आप देखते हैं तो इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और यहाँ पे एलईडी डीआरएल्स आपको मिलते हैं। एलईडी प्रोजेक्टर सेटअप आपको मिलेगा बेस वेरिएंट से ही, ये आपको हाई बीम के लिए, उधर लो बीम के लिए आपको मिलता है, जो बेस वेरिएंट से ही आपको ऑफर किया गया है। इस वेरिएंट के अंदर आपको कोई भी फॉग लैंप्स जो है वो नहीं मिलते हैं, लेकिन अपर वेरिएंट में आपको एलईडी फॉग लैंप जो है वो देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट में जब इसका चिन गार्ड आप देखते हैं तो यहाँ पे भी सिल्वर ट्रीटमेंट जो है आपको देखने को मिलेगी, और कुछ एक स्पेस यहाँ पे दिया गया है जो बेसिकली एयर फ्लो के लिए रहने वाला है। उसके बाद जब इंजन हुड आप इसका देखते हैं तो इंजन हुड का जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छा रखा गया है, और इसको जो है यहाँ पे फ्लैट रखा गया है। विंडशील्ड का साइज़ जो है वो भी आपको यहाँ पे अच्छा मिल जाएगा, तो बाहर का व्यू जो है वो भी बेहतर रहने वाला है। जैसे आप जानते हैं कि ये जो कार है एक कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ भी रखी गई है 4312 mm। एक बार टायर साइज़ आप देखेंगे तो इस वेरिएंट के अंदर आपको 16 इंचेस के स्टील रिम मिल जाएंगे विद फुल व्हील कवर, और जो टायर प्रोफाइल है 215/60 आपको मिलने वाला है। ऑल अराउंड आपको ये स्कर्टिंग्स मिल जाएगी, इवन डोर्स पे भी आपको जो स्कर्टिंग्स है वो देखने को मिलती है, और ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो काफ़ी अच्छी मिलती है, 220 mm की यहाँ पे ऑफर की गई है। ओवरव्यू जब आप देखेंगे तो बॉडी कलर आपको मिलते हैं, ब्लिंकर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इस वेरिएंट के अंदर इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है, लेकिन फोल्ड आप इनको मैन्युअली कर पाएंगे। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो एक्सेस बटन आपको मिलता है, बॉडी कलर, हैंडल, ड्राइवर, को ड्राइवर दोनों साइड आपको एक्सेस बटन मिल जाएगा। और यहाँ पे इस शोल्डर लाइन पे आपको क्रोम का यूजेस जो है ये बेस वेरिएंट से ही देखने को मिलता है। इस वेरिएंट के अंदर आपको जो बी पिलर है इसको ब्लैक ट्रीटमेंट यहाँ पे ऑफर कर दी गई है, और विंडो ग्लासेस का साइज़ जो है वो भी ठीक यहाँ पे रखा गया है। अगर थोड़ा और इनको वाइड कर दिया जाता तो अंदर जो स्पेस है वो काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ पे जाने वाला था। फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो आपको 40 लीटर्स की यहाँ पे मिल जाएगी। और रियर से जब आप इसको देखते हैं तो कुछ इस तरह के लुक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो रियर लुक्स जो गाड़ी के हैं वो काफ़ी अच्छे रखते हैं। ओवरऑल इसको सिंपल सोबर लुक्स जो है वो दी गई है। बिल्कुल ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो शार्क फिन एंटीना आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैंप, और रियर शील्ड पे आपको डिफोगर जो है वो मिलने वाला है। कंप्लीट जब यहाँ पे आप देखते हैं तो ये आपको यहाँ पे एलईडी टेल लैंप्स ऑफर कर दिए गए हैं, इंडिकेटर, बैकलाइट वो सब आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सेंटर में आपको यहाँ पे होंडा का लोगो मिलता है, और ये आपको रियर कैमरा मिल जाएगा। बम्पर जब आप इसका देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको सिल्वर स्किड प्लेट जो है वो ऑफर कर दी गई है, मैट ब्लैक फिनिश के साथ आपको ये मिलने वाला है। चार पार्किंग सेंसर मिलेंगे जो रिवर्स पार्किंग में हेल्प करने वाले हैं, और दोनों तरफ आपको ये रिफ्लेक्टर जो है वो भी ऑफर किया गया है। एलिवेट का बैज और उस तरफ आईवीटेक का बैज आपको मिलेगा। बूट एक्सेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस मैग्नेटिक बटन का यूज़ करके आप बूट एक्सेस कर सकते हैं। 458 लीटर्स का बूट स्पेस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अंदर की तरफ जब स्पेस देखते हैं तो नीचे की तरफ आपको ये प्रॉपर टूल किट वगैरह जो है वो मिल जाएगी, स्पेयर व्हील नीचे की तरफ आपको मिलता है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छे से आप इसको यूज़ कर पाएंगे। लोड लिप जो है वो भी बिल्कुल कम यहाँ पे रखी गई है, तो कंफर्टेबली आप लगेज रख पाएंगे और उसको निकाल सकते हैं। रियर सीट जो है 60-40 स्प्लिट फोल्डेबल है, तो आप इनको फोल्ड करना चाहें फोल्ड करके भी आप यूज़ लगेज
फोल्ड करके आप जो लगेज है वो आराम से यहाँ पे रख सकते हैं। कोई भी आपको बोट लैंप का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। पार्शल सेल्फ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, क्लोज करने के लिए आपको ये हैंडल दे दिया गया है। अब मैं आपको इसकी रियर सीट जो है वहाँ पे ले चलता हूँ। सो जैसे ही रियर डोर आप ओपन करते हैं तो जो डोर ट्रिम है वो आपको ड्यूल टोन के साथ मिलती है, ब्लैक और इस लाइट ब्राउन कलर का यूजेस आपको दिखाई देगा। बीच में सिल्वर टच जो है वो दिए गए हैं। यहाँ पे आपको बोतल होल्डर्स मिल जाएंगे। अंदर एक बार सीट्स का फैब्रिक भी आप देखिए तो कुछ इस तरह की फैब्रिक सीट्स आपको यहाँ पे मिलती हैं इस ड्यूल टोन के साथ में। ओवरऑल जो कुशनिंग वगैरह है वो ठीक रखी गई है। अब एक बार अंदर का स्पेस भी चेक कर लेते हैं। सामने वाली जो दोनों सीट्स हैं वो मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि नीचे जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है ना फ्लोर को, तो ये आपके कंफर्ट को और ज़्यादा इंक्रीज यहाँ पे करने वाला है। लेग रूम आप देखिए, लेग रूम काफ़ी अच्छा आपको मिलता है क्योंकि जो व्हील बेस है 2650 mm आपको मिलता है। और उसके बाद थाई स्पोर्ट आप देख सकते हैं। और ओवरऑल इसका जो सेकेंड रो का कम्फर्ट है वो मुझे इस सेगमेंट में, जैसे आपको सेल्टोस भी आती है, क्रेटा आती है, उनसे कहीं ज़्यादा मुझे इसका कंफर्ट जो है वो लगा। रिक्लाइन एंगल भी ठीक है, हालांकि वहाँ पे आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है, लेकिन रिक्लाइन एंगल ठीक है। थोड़ा अगर रिक्लाइन एंगल सेट कर दिया जाता, थोड़ा और पीछे की तरफ कर दिया जाता तो और ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकती थी, लेकिन ये जो पार्ट है ये मुझे इसका ज़्यादा कंफर्टेबल लगा उनके कंपैरिजन में। उसके बाद जब हेडरेस्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, दो हेडरेस्ट आपको मिल जाएंगे। और ये हैंडल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इनका यूज़ आप कर सकते हैं। कोई भी आर्मरेस्ट का ऑप्शन जो है इस वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे जब आप देखते हैं तो एसी वेंट आपको मिल जाएगा, और नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो एक 12 वोल्ट का सॉकेट आपको मिलता है, तो रियर पैसेंजर्स इससे जो है अपने मोबाइल वगैरह को चार्ज कर सकते हैं। सेंट्रल आर्म की हाइट भी अच्छी रखी गई है। वैसे तो दो बंदों के लिए कंफर्टेबल है, लेकिन तीन बंदे अगर एडजस्ट होना चाहें तो तीन बंदे यहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं। सामने वाले हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल आपको मिलेंगे, और जो सीट बेल्ट है वो फिक्स यहाँ पे रहने वाली है। अब इसकी ड्राइवर सीट पे जो है हम चल पड़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको ड्राइवर साइड भी एक्सेस बटन मिलता है, तो वो आपको ऑफर किया गया है। उसके बाद ये जो ट्रिम है आपको सेम मिलने वाली है, हर जगह आपको प्लास्टिक मटेरियल मिलेगा, सॉफ्ट टच कहीं पे आपको नहीं दिया गया है। ऑल फोर पावर विंडोज़ के कंट्रोल, ड्राइवर विंडो जो है वन टच अप डाउन रहने वाली है। मिरर्स के एडजस्टमेंट के कंट्रोल आपको मिलेंगे, लॉक अनलॉक के लिए कंट्रोल आपको मिलता है। उसके बाद सीट्स मैंने आपको दिखा दी, तो इस वेरिएंट के अंदर भी क्या, आपको जो लोअर ट्रिम है वहाँ पे भी आपको सिक्स वे एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन जो है वो स्टैंडर्ड रखा गया है। ये जो आप भी देख रहे हैं ये एसेसरीज़ का पार्ट है, एज अ एसेसरीज आप इसको परचेज कर सकते हैं। और ये वेंटिलेटेड सीट्स इसके बाद बन जाती हैं, तो यहाँ से वेंटिलेशन के लेवल आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में आपको वाइब्रेटर भी इसके अंदर मिलता है, तो भाई वो कमर पे ना वाइब्रेशन देता है, तो ये काफ़ी अच्छी एसेसरी मुझे यहाँ पे लगी। उसके बाद ये जब पार्ट देखते हैं तो यहाँ पे जो हेडलैम्प है उनकी हाइट आप एडजस्ट कर पाएंगे ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो एक फुटरेस्ट जो है आपको यहाँ पे दिया गया है। अब एक बार चेक कर लेते हैं इस कार के इंटीरियर्स। सो जो इंटीरियर्स हैं कुछ इस तरह के आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। हर जगह आपको जो है प्लास्टिक मटेरियल दिखाई देगा। फिट एंड फिनिश जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है, लेकिन सॉफ्ट टच जो है आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है। अब एक बार इग्निशन ऑन कर देता हूँ तो आपको जो इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है कुछ यहाँ मिलता है, तो यहाँ से इग्निशन जो है आप ऑन कर सकते हैं। उसके बाद स्टेयरिंग व्हील जब आप देखेंगे तो सर्कुलर स्टेयरिंग व्हील आपको मिलता है, रेगुलर आपको ये ऑफर किया गया है। उसके बाद एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको मिलती है, जो स्टैंडर्ड रखा गया है सभी वेरिएंट्स के अक्रॉस, ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद ये आपको मिल जाएंगे इधर की तरफ मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स। सामने की तरफ जब आप देखते हैं तो ये आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा, स्पीडोमीटर इधर की तरफ, आरपीएम मीटर, स्पीडोमीटर और एक डीआईएस है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको शो करता है। और यहाँ से इसका जो ब्राइटनेस का लेवल है वो एडजस्ट कर सकते हैं, और ट्रिप को सेट रीसेट वो सब आप यहाँ से कर पाएंगे। उसके बाद सेंट्रल कंसोल जब आप देखेंगे तो 8 इंचज़ का ये टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम आपको मिलता है, जिसके अंदर आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो की वायरलेस कनेक्टिविटी मिलती है। 4 स्पीकर्स आपको यहाँ पे ऑफर कर दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे जब आप देखते हैं तो ऑटो एसी की यूनिट मिल जाएगी, ये भी काफ़ी अच्छा है कि इसको स्टैंडर्ड रखा गया है, तो बेस वेरिएंट से ही आपको ऑटो एसी जो है यहाँ पे मिल जाता है। साथ में मैक्स कूल का फीचर भी आपको दिया गया है। नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो कुछ एक स्पेस ऑफर कर दिया गया है, मोबाइल वगैरह आप आराम से रख पाएंगे। एक 12 वोल्ट का सॉकेट आपको मिलता है,
और साथ में दो यूएसबी ए पोर्ट जो हैं वो ऑफर किए गए हैं। दो कप होल्डर्स आपको मिल जाएंगे। अभी ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है तो 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन और सीवीटी आपको यहाँ पे मिलता है। उसके बाद हैंड ब्रेक आपको ये मिल जाएगी और यहाँ पे आर्मरेस्ट मिलता है। हालांकि ये जो आर्मरेस्ट है ये फिक्स्ड है, आप इसको स्लाइड नहीं कर पाएंगे, और अंदर की तरफ कुछ एक स्टोरेज जो है वो भी ऑफर किया गया है। यहाँ पे जब आप ग्लो बॉक्स देखते हैं तो ग्लो बॉक्स का स्पेस जो है वो भी डिसेंट आपको मिलने वाला है। ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर मिलता है। ड्राइवर साइड आपको कोई भी वैनिटी मिरर या टिकट होल्डर जो है नहीं दिया गया है। मैनुअल डे नाइट IRVM आपको मिल जाएगा और ये आपको रीडिंग लाइट्स या फ्रंट में जो लैंप्स है वो आपको ऑफर किए गए हैं। सो, ये कुछ था इस कार का इंटीरियर। अब बात कर लेते हैं कार के सेफ्टी फीचर, इंजन स्पेसिफिकेशन और प्राइसेस के बारे में। सो, अब बात करते हैं कार के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो इसके टॉप वेरिएंट के साथ जो है आपको कैमरा बेस्ड अडास फीचर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। दो एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड। टॉप वेरिएंट के अंदर आपको 6 एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं। ABS ब्रेक्स विद EBD, साथ में ब्रेक असिस्ट आपको मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल स्टार्ट असिस्ट। तो ये सारे सेफ्टी फीचर्स यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। अब बात करते हैं इंजन की। तो ये जो कार है आपको सिर्फ पेट्रोल ऑप्शन के साथ मिलती है। तो यहाँ पे 1.5 लीटर्स का IVTEC इंजन आपको मिलता है जो मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करता है 121 PSK और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 145 न्यूटन मीटर्स का। यहाँ पे आपको मैनुअल ट्रांसमिशन और CVT का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। माइलेज फिगर्स की अगर मैं बात करूँ तो जब आप मैनुअल कंसीडर करेंगे तो वहाँ पे 15.31 KMPL की कंपनी माइलेज क्लेम करती है और CVT के साथ में 16.92 KMPL की माइलेज क्लेम करती है। स्टैंडर्ड वारंटी जो आपको यहाँ पे मिलती है 3 years और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की मिलती है। आप इसको फर्दर एक्सटेंड करा सकते हैं अप टू 5 years। अब बात कर लेते हैं सबसे मेन कार के प्राइजेस की। तो जो सभी वेरिएंट के प्राइजेस हैं सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इस वी वेरिएंट को मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ कंसीडर करते हैं तो उसका जो एक शोरूम प्राइस रहेगा 12,10,900 रुपीज़। और अगर आप CVT कंसीडर करते हैं तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 13,20,900 रुपीज़। मतलब जो डिफरेंस आ गया ट्रांसमिशन के लिए 1,10,000 आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और जितने भी प्राइजेस सामने आपको दिखाई दे रहे हैं सभी एक शोरूम प्राइजेस हैं। रेस्ट आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। सो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस होंडा एलिवेट वी वेरिएंट पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।